व्हाइट डायमंड एंड ड्राई फ्रूट कंपनी की ओर से अपनी पहली वर्षगांठ मनाई गई। इसी संबंध में जलंधर के होटल प्रेसिडेंट में विशेष समागम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य लोगों ने भाग लेकर कंपनी के प्रबंधकों को पहली वर्षगांठ पर बधाई दी। इस मौके पर उद्योगपति अशोक मित्तल, एलपीयू के वाइस चांसलर रमेश मित्तल, अर्बन एस्टेट गीता मंदिर के प्रधान राजेश अग्रवाल, संदीप पतीला सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस समागम के अंत में मुकुल सभरवाल, कुणाल सभरवाल और राकेश सभरवाल की ओर से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का आभार भी व्यक्त किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। आप सबका वाइट डायमंड परिवार की ओर से बहुत बहुत जी आया नूं तुहानू आखदा हैगा। तुसी अपना समय कट के आए। अज जिहड़ा विषय हैगा, एक साल हो गया वाइट डायमंड नट्स एंड ड्राई फ्रूट कंपनी नूं। तुहाडे सहयोग नाल ये दिन रात तरक्की कर रही है। मुकुल सभरवाल जी, इनके फादर हमारे कुणाल सभरवाल जी, हम एक परिवार हैं। बचपन के मेरे भाई के दोस्त हैं राकेश सभरवाल जी, तो हमने मिलकर एक ये जो नया काम शुरू किया, तो यही बनाया कि ये इसको हिंदुस्तान में लेकर आते हैं। बाहर तो देखिए सब सामान इजीली बिक जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन भाइयों को अपनी धरती की याद आई, वो कहते नहीं, हमने इसको लेकर जाना है हिंदुस्तान में। और वो लेकर आए एक साल पहले, और उसके लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं।